एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, देखो हम लोग आए थे इंद मेला में एलगा कटझर। सो यहाँ पे पार्किंग था, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे था ग्राउंड, ठीक है, वहीं पे हो रहा था। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, 6:30 टाइमिंग हो चुका है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, आधा भाई लोग निकल चुके हैं, वो लोग बाहर में हैं। सो हम लोग दो तीन लोग बचे हैं, चार लोग बचे हैं, अभी हम लोग निकलेंगे गाइज। सो ठीक है गाइज, निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड है अभी तक, ठीक है ना, मतलब 6:30 हो चुका है, ग्राउंड के अंदर तो बहुत सारे हैं। इधर से हम लोग निकल रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कितना क्राउड है। बाकी हम लोग का भाई लोग निकल चुके हैं आगे। सो अभी वो लोग कहाँ पे हैं देखते हैं, मिलते हैं उन लोग से, ठीक है। तो गाइज, अभी हम लोग बिहावन पहुँच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद में निकलेंगे राजगामपुर। तो यहाँ पे चाय पी लेते हैं, यहाँ अच्छा चाय मिलता है बिहावन में। सो भाई लोग हैं इधर, तो भाव बताओ भाई लोग, आप लोग को कैसा लगा इंद? कौन कौन कितना एंजॉय किए, कौन कौन कितना नाचे? फुल एंजॉय किए हैं, फुल नाचे हैं भाई लोग, पूरा फुल मस्ती किए हैं, ठीक है। उधर भी वो आ रहे हैं, वो भी मस्ती किए हैं बिंदास, और दो चार लोग निकल चुके हैं, वो लोग हम लोग को छोड़ छाड़ के। सो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी लेते हैं, उसके बाद में हम लोग भी निकलेंगे राजगामपुर। हम लोग चाय ले लिए और बिस्किट भी ले लिए हैं। भाई सब देखो मीठा खरीद रहे हैं, तो मेरे को नहीं मिला वहाँ पे, तो इनको मांग रहा हूँ दो दो ठो मीठा देना बोल के। तो चाय और बिस्किट ले चुके हैं अभी, सो चेयर्स कर लेते हैं। लो भाई लोग, आओ इधर आओ, खाली पोका हो आप लोग, इधर पी रहे हैं, फिर भी कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइस पी लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। नींद जो चाय पीने के बाद ना, जितना भी नींद मेरा हो, नींद खत्म है, ठीक है। सो पी लेते हैं गाइज। फाइनली गाइज घर पहुंच गए एलगा कटझर से, ठीक है। रूम में आने के बाद भाई, अपना रूम में आने के बाद जो सुकून लगता है ना यार, मैं कहीं भी जाता हूँ, ठीक है। सो कहीं भी जाता हूँ, और मान लो मामा घर भी जाता हूँ ना, मुझे रहने को दिल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यही एक खूबी है कि मेरा रूम जैसा, मेरा रूम में जो जिस तरीके से नींद, वैसा और कहीं लगेगा भी नहीं मुझे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा नहा लेंगे, खाएंगे, उसके बाद में रेस्ट करेंगे। बाकी आँख को देख के आप लोग को तो पता चल रहा होगा क्या हालात हो रहा है, मेरा पेन हो रहा है, ठीक है। सो रेस्ट करेंगे, उसके बाद में जो भी है बाकी काम, ठीक है, उसको देखेंगे। तो नहा के आते हैं गाइस, फिर देखते हैं खाने में क्या बना है, उसके बाद में रेस्ट करना है गाइस। डिटेली नहा लिए, ठीक है, और लंच को कर लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं बचाए थे, रोटी और भोजा बना था बट नहीं रखे थे मेरे लिए, क्योंकि मैं लेट में पहुंचा, ठीक है, 8:30 लगभग में पहुंचा, इसलिए मेरे को नहीं बचाए थे। लंच टाइम तो पहुंच गया है, अभी 11:30 हो रहा है, तो खाना ही खा लिए और अभी ठीक सोए होते। बाकी फिर एक काम, पापा गए हैं जॉब पे और मम्मी गए हैं खेत पे, नानी माँ है घर पे, तो मुझे अभी बैल चराने के लिए जाना पड़ रहा है। फ़ोन भी चार्ज नहीं, उसके लिए पकड़ के जा रहा हूँ पावर बैंक केबल, ठीक है। नानी जाती लेकिन यहाँ पे धान उन रखे हैं ना, सो खा देगा मुर्गी साहब, ठीक है, बहुत सारा है चंगना साहब हम लोग का घर में, देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सो चलते हैं, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। बाकी आँख पेन हो रहा है, पैर भी पेन हो रहा है, क्या करें पता नहीं, बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं, जितना टिक पाएंगे टिक पाएंगे, नहीं तो गमछा लेके जाएंगे, सो जाएंगे कहीं भी बिछा के, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस चलते हैं, यहाँ पे धान रखा गया है, तो चंगना सब है तो लोग खा देंगे, इसलिए नहीं जा रहे नानी, मेरे को जाना पड़ रहा है। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा हालत, आँख को देखो और ऊपर से देसी लुक, ठीक है ना गाइस। गांव से तो बिलोंग करते हैं, बाकी ये सब लुक भी ना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। धूप का टाइम हो या कुछ भी टाइम हो, अगर मैं गमछा लपेट लेता हूँ तो, और सर में बांध लेता हूँ तो मुझे बहुत
अच्छा लगता है, ठीक है। और मेरा हालत तो बिगड़ रहा है, धीरे 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 बिगड़ रहा है। सोच रहा हूँ किसको बोलूँ, ठीक है, क्योंकि एक बड़े पापा के साथ आते हैं, मतलब हम लोग का दो घर से खाली चराते हैं, बाकी बहुत लोग भी हैं, मतलब अलग अलग करके चराते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हम लोग दो खाली चराते हैं। बड़े पापा को भी बोलेंगे लेकिन एक जान में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मेरा हालत तो ख़राब होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, असर कर रहा है, सर सर दुखने लगा है, पर आँख तो आँख देख सकते हैं आप लोग कैसा मेरा हालत ख़त्म। सो इस तरफ मेरा जो बेल है इस तरफ चल रहा है, देख लो इधर वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इधर भी है। सो मैं तो बैठा हूँ देसी लुक, ठीक है ना। सो बाकी रहा बात क्या एनर्जी होता है, क्या होता है समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहीं बिछा के गमछा को बिछा के सो जाता ना, ख़त्म है मेरा, त्रास होता। बाकी पेशेंस की बात है, टिक लेते हैं, क्या करें। घर में रहते हैं तो ये सब चीज़ को मतलब अवॉइड नहीं करते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि मतलब घर वाले कुछ भी काम बोलते हैं, कोई भी मेरे को मतलब ये करो वो करो कुछ भी, मतलब मुझे वो चीज़ को ना बोल के मतलब मना नहीं करने का दिल नहीं करता है, कर ही लेता हूँ। सो नानी बोली, नहीं तो नानी आई होती, धान उन नहीं रहता तो घर में। खैर कोई बात नहीं, आज का मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी कितना देर तक कर पाएंगे वो तो बता नहीं सकते, मेरा पैर तो पेन होने लगा है अभी तक। कोई बात नहीं गाइज, हो जाएगा शायद, नहीं हुआ तो कहीं भी गमछा को लपेट के मतलब बिछा के ख़त्म, सो जाना है आधा एक घंटा, दिन थोड़ा सा रेस्ट लगेगा, मतलब रात भर हम लोग नहीं सोए हैं, ठीक है। कहीं भी मतलब रेस्ट लेने का नाम नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा दोस्त लोग के साथ रहने से थोड़ा मस्ती मज़ा ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह दोस्तों मेरा भी ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, होता है एक एक बार ऐसा मौका मिलता है तो कर लेते हैं। बाकी आज का क्या हालात होता है मेरे को रात होते होते खुद समझ में नहीं आ रहा गाइस, बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं कितना तक टिकते हैं। गुड इवनिंग। सो गाइस शाम के 4:30 हो गया। सो अभी बैल जो था उसको लेके जा रहे हैं घर। मेरा तो हालत थी ख़राब, मतलब बेड में गिर गए तो पता नहीं कब सो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, भूख भी लग रहा है, देखते हैं घर में क्या बनना ये है। कुछ खाने के लिए तो होगा तो खा लेंगे, वरना दुकान जाना ही पड़ेगा। सो चलते हैं घर, लेके जा रहे हैं गाइस। घर पहुंच गए, घर में कुछ नहीं बना है बिकॉज माँ लोग भी अभी पहुंचे। सो जाना पड़ेगा दुकान तरफ, आप लोग को दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन को चार्ज में छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है गाइज मैं जाके आता हूँ। तो गाइज फ्लिपकार्ट से कुछ आया है, ठीक है। सो अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या चीज़ है इसमें देखते हैं। एक्साइटेड तो हैं, बाकी जो क्या है देखने से पता चलेगा, है ना। सो गाइज अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलने के लिए दिक्कत होता है एक हाथ से करने के लिए, इसमें कोई है ही नहीं जो करो थोड़ा रिकॉर्ड बोलेंगे, बाबू को भी नहीं आता है थोड़े, तो उसको फ़ोन हम नहीं देते हैं, नहीं तो जानता जो। सो खुल तो गया, समझ गए होंगे ना, डिजिटेक का है, बाकी अच्छा क्वालिटी है,
शो 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 फुल ओपन करते हैं गाइस, देखो आप लोग ब्लॉग के लिए अभी दिक्कत नहीं होगा, हाथ में फोन को पकड़ने से थोड़ा दिक्कत होता था, इसमें पकड़ेंगे तो इजी होगा। सो गाइस कैसे करते हैं क्या नहीं आई डोंट नो, सो मुझे ही खुद करना पड़ेगा, देखते हैं किस तरीके से फिट करते हैं। बाकी रिमोट भी दिया हुआ है, किस चीज़ का है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, बाकी है किस चीज़ का मुझे तो पता नहीं, बाकी देखते हैं गाइज थोड़ा ट्राई करते हैं, है ना। अगर अच्छा लगा तो इसी से एक शूट मतलब वीडियो बना लेंगे तुरंत, अच्छा आ रहा है। बाकी इसका एक किस चीज़ का है मुझे तो पता नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा देखना पड़ेगा किस चीज़ का लिखे, किस चीज़ के लिए दिया गया है। ठीक है गाइज सो इसको भी थोड़ा इंक्वायरी कर लेते हैं ये किस चीज़ के लिए है, इसका भी बैटरी दिया गया है देखो यहाँ पे, बाकी हाथ में अच्छा हो गया पकड़ के, मतलब इजीली देखिए इतना हिला रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो है गाइज मतलब इसको अगर हाथ में भी पकड़ के ऐसे दूर में रखे हैं, ये रिमोट जैसा कंट्रोल करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ठीक है वीडियो ऑफ ऑन कर सकते हैं इसको, ऐसे दिया है अच्छा है, दूर से भी आप कर सकते हैं इसको, वहाँ पे हाथ लेके करना ज़रूरी नहीं, यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, बढ़िया है। चलो एक्साइटेड सो एक्साइटेड एक्साइटेड सो एक्साइटेड। हेलो गाइज डिनर हो गया गाइज, 7:30 बजे ही आज मैं डिनर कर लिया हूँ, थोड़ा वीडियो एडिट करूँगा यहाँ पे, प्रोग्रेसिव में है, और मेरा हालत जो है वो तो बहुत ख़राब हो चुका है, आवाज़ भी अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, पैर पेन हो रहा है, सर भी पेन, आँख भी, तो इसीलिए जल्दी खा लिया सिरप पी लिए, भी कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं उसको भी। सो तो जाते हैं फिर देखेंगे कितना क्या बचता है, अगर एडिट कंप्लीट नहीं होता है तो मॉर्निंग में एडिट करेंगे। ठीक है गाइज सो आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे। ठीक है वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।